सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम पूर्व की तैयारी में हम लेके आए हुए हैं फरवरी माह का तीसरा सप्ताह। शनिवार में क्या हमें बच्चों के बीच जानकारी रखनी है, आइए उसके बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चों तक पहुंच पाए। आइए जानते हैं कि फरवरी माह का तीसरा सप्ताह में हमें क्या कराना है। शेड्यूल के मुताबिक हमें इस शनिवार बिजली से घात, जल जमाव से परेशानियां तथा बोरिंग के गड्ढे से होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देना। बिजली से घात, जल जमाव से परेशानियां तथा बोरिंग के गड्ढे से होने वाली परेशानियां के बारे में जानकारी। आइए, इसमें तीन बातें कही गई है, बिजली से घात, जल जमाव की समस्या एवं बोरिंग के गड्ढे से होने वाली परेशानियां। तो एक एक करके हम पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। इस पे जानकारी उपलब्ध है, फिर भी हम इसको दोहरा लेते हैं। एक नंबर में है बिजली से घात, इसके बारे में हम चर्चा करें कि बिजली से घात के बारे में कि बिजली का झटका अगर किसी कारणवश लग गया हो तो उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, कभी कभी जानलेवा हो जाता है। वो क्या होता है, क्रमदर हम देखें कि अगर झटका लग गया हो तो पहली बात है कि श्वसन पेशियों में लकवा मर जाता है। अब ये श्वसन पेशियों में लकवा मारने की बात ये है कि श्वसन क्रिया जो हम करते हैं और फेफड़ा मांसपेशी का फैलाव और सिकुड़न होता है, जिस तरह देखें ये फैल गया, सिकुड़न हुआ तो सांस बाहर निकली, यह क्रिया करने के लिए मांसपेशी का फैलना सिकुड़ना जरूरी होता है। लेकिन अगर श्वसन क्रिया में जो मांसपेशी भाग लेते हैं उसमें अगर लकवा मार गया तो श्वसन क्रिया में बाधा होगी, दम घुटने का चांसेस होता है। उसके बाद है कि गंभीर रूप से शरीर कभी कभी जल जाते हैं। झटका अगर सामान्य है, बिजली का झटका, तो थोड़ा बहुत जलन होती है, लेकिन अगर झटका ज्यादा हो तो अत्यधिक अंग जल जाते हैं बाह्य, उसका भी हम देखेंगे। आगे मांसपेशी में संकुचन हो जाना, बिजली का झटका जब लगता है तो मांसपेशी जो है वो अपने मूल अवस्था में नहीं रह पाता है, मूल आकार में नहीं रह पाता है, वो संकुचन हो जाता है। इससे कई तत्कालिक शारीरिक गतिविधियां जो है वो बाधित होने लगती है, शरीर के भीतर खून का थक्का भी बन जाता है। और अगर झटका जोरदार हो तो हार्ट अटैक की भी संभावना बढ़ जाती है, और हार्ट अटैक में आप जानते हैं कि मृत्यु होने की भी संभावना होती है। यह तो था कि झटका लगा तो क्या होगा, अब जरा ये भी हम थोड़ा जान लें बच्चों को, चूंकि सीनियर सेक्शन में 6-8 में बच्चों की जिज्ञासा बढ़ जाती है और बताना भी लाजिमी है कि झटका कितना और कब तक लगेगा तो शरीर हमारा सह पाएगा या नहीं सह पाएगा, या कब उस अवस्था में डेंजर स्थिति को छू लेगा। तो आइए देखते हैं, उसको भी क्रमवार हम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि 0.1 एम्पियर बिजली का झटका अगर 2 सेकंड के लिए शरीर के माध्यम से गुजर जाता है तो मौत
0.1 एम्पियर बिजली 2 सेकंड के लिए शरीर के माध्यम से गुजरती है तो मौत का खतरा बढ़ जाता है। आगे 10 माइल एम्पियर से कम हो तो व्यक्ति का मांसपेशी व शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता है, लेकिन बिजली की मात्रा 10 एम्पियर से ज्यादा हो तो मांसपेशी में पैरालिसिस भी हो सकती है, मतलब लकवा मार सकता है और वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता है। इस तरह का अगर झटका लगे, अगर कहा जाता कि 49 वोल्ट से कम वोल्टेज की धारा अगर हमारे शरीर पे झटका लगता है तो सांस लेना बाधित हो सकता है। सांस लेने में तो हम बता रहे हैं कि मांसपेशी में संकुचन या फैलाव, ये क्रिया बंद हो जाती है, जिस वजह से सांस लेना बंद हो जाएगा तो मौत का खतरा मंडरा सकता है। आगे है, शरीर में मांसपेशी पर भी, और सबसे बड़ी बात है कि शरीर में मांसपेशी पर भी निर्भर करता है कि मांसपेशी अगर ज्यादा हो तो बिजली का झटका थोड़ा सा बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अगर मांसपेशी शरीर में कम हो, मतलब पतला दुबला ज्यादा आदमी हो, ज्यादा पतला दुबला हो, तो फिर कम झटका पर भी उसे खतरा साबित हो सकता है। तो मूलतः मिला के हम देखते हैं कि बिजली के झटके से हमें बचना चाहिए, तो बिजली का झटका हमें या बच्चों को ना लगे इसके लिए हमें क्या करना है उसके बारे में अब आगे जानते हैं। बिजली का घात से होने वाले जो है उससे हम क्या बचना चाहिए उसकी जानकारी, कि बिजली के प्रतीक चिन्ह के बारे में जानकारी रखें। चिन्ह आप देख लें कि लोगो रहता है कि शरीर सिर है और यह क्रॉस है हड्डी का, मतलब कह रहा है कि यह काफी डेंजर है, नीचे डेंजर लिखा हुआ होता है वॉलपेपर में आप देख रहे हैं। तो यह जहां खतरा, इस तरह का लोगो अगर हो, बच्चों को यह लोगो अवश्य दिखाए, यह जो लोगो दिख रहा है इस फोटो को अवश्य बच्चों को दिखाएं कि सिर का बना हुआ है खोपड़ी और खोपड़ी के पीछे हड्डी का एक क्रॉस बना हुआ है, नीचे डेंजर लिखा हुआ है। इस तरह का लोगो जहां भी हो तो आप उस तरफ ना जाए। इसमें कहा जाता है कि टूटी या गिरी हुई तारों के नजदीक नहीं जाना चाहिए, इसकी सूचना तुरंत बिजली विभाग को दें। अगर आप कहीं चल भी रहे हैं और देख रहे हैं कि बिजली का तार गिर चुका है, गिरा हुआ है और करंट प्रवाहित हो रही है, तो आप यथाशक्ति त्वरित रूप से बिजली विभाग को जानकारी देने का प्रयास करें। आजकल सोशल मीडिया पे त्वरित रूप से संपर्क किया जा सकता है, एक दूसरे से संपर्क करके इस जानकारी को त्वरित विभाग को दें ताकि बिजली डिस्कनेक्ट किया जाए तुरंत और उस तार को दुरुस्त किया जा सके। बरसात के मौसम में गीला पोल या भींगा पोल, खंभा या उसका खंभा का जो खंभा को खड़ा रखने के लिए तार जो टेढ़ा वाला लगाया जाता है, कभी कभी उसमें भी करंट प्रवाहित होता है। तो सिंपल सी बात है, बच्चों को हम ये बताएंगे कि पोल के पास ही ना जाए, सड़क के किनारे बरसात के मौसम में पोल के आसपास जाने से बचें। बिजली की टूटी हुई तार अगर पानी में गिरी हो तो पानी के संपर्क में ना आए, तुरंत संबंधित व्यक्तियों को सूचना करें। मान लीजिए खेत में है और पानी है, पोल खेत में है, पानी के बीच में है, बाढ़ के मौसम में, हम लोग का इलाका तो बाढ़ का इलाका है, तो यहाँ पे देखते हैं कि बरसात के मौसम में बाढ़ के समय में पोल पानी में रहता है, अगर वहां पे तार गिर गई है तो तुरंत संबंधित
पदाधिकारी या व्यक्तियों को जानकारी दें, वो आके वो उसे दुरुस्त करें और खतरा आपको ही नहीं किसी अन्य व्यक्ति को भी खतरा ना हो। अब यह है कि करंट लगे हुए व्यक्तियों को बिल्कुल ना छुएं। इस परिस्थिति में सूखा बांस, सूखी लकड़ी का सहारा लें, कोई धातु का रड, लोहा ये वगैरह लेके उसे छुड़ाने का प्रयास ना करें। अन्यथा आपको लगता है कि करंट लग गया, दौड़ के गए, हाथ से पकड़ के छुड़ा लिए, ये गलत डिसीजन है। आप भी उस खतरे के चपेट में आ सकते हैं, बिजली करंट के चपेट में। एक फिल्म का एक सीन है कि उसमें बिजली का तार छुआ गया, वो ऐसे 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 कर रहा है, दूसरा भी गया उसको लोहा का रड लेके मारने के लिए कि वहां से थोड़ा सा झटका मारेंगे तो हाथ छूटेगा, वो सता वो भी करने लगे। तो ये देखना होगा कि उसको बचाने के चक्कर में हम भी ना चले जाए खतरे में। तो त्वरित डिसीजन लें कि सूखा बांस, एक दो सेकंड लगेगा, सूखा बांस हो वो दे, अगर वो नहीं है तो हमारा कपड़ा सूखा होगा, हम देखें गमछा है या कुछ है उसको देखें अलग से ही फंसा के और खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन छुएंगे कभी नहीं, भावनात्मक रूप से नहीं आके छू लेंगे। रबर है, प्लास्टिक है, कुछ भी है, अपना सुरक्षा हम करते हुए उसे बचाने का प्रयास करेंगे। तो करंट से पीड़ित व्यक्ति को कंबल से ढककर रखेंगे। यदि बिजली से आग लग गई, आज के आधुनिक युग में घर में आग लगते हैं, दौड़ के जाएंगे और पानी मारना शुरू कर देंगे बुझाने के लिए, यह भी एक गलत डिसीजन हो जाएगा। हर घर में बिजली होती है, हर घर में ज्यादातर बिजली देर तक रहती है, 24 घंटा में ज्यादा से ज्यादा तक अब बिजली रहती है। तो आग अगर लगी है तो वायर क्या हुआ है, कहीं वो खतरा ना हो जाए। तो आग लगे हुए घर में सबसे पहले बिजली कनेक्शन को डिसकनेक्ट करेंगे और तब आग बुझाने का प्रयास करेंगे। पीड़ित व्यक्ति को कंबल से ढक के रखेंगे, पानी पीने के लिए बिल्कुल नहीं देंगे और उपचार के लिए उचित जगह पे, उचित अस्पताल, नजदीकी अस्पताल तक त्वरित रूप से हम लोग पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है, एक है CPR। CPR क्या है, इस पर एक अलग से वीडियो बना हुआ है मेरा, लेकिन फिलहाल जान लें कि उस समय, चूंकि हम बार बार शुरुआत में बोल चुके हैं कि श्वसन क्रिया बाधित हमारी हो जाती है, तो उस परिस्थिति में CPR देने का प्रयास करें। CPR क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिशियंस संजीवन क्रिया प्राथमिक चिकित्सा जो है, इसको हम लोग बोलते हैं CPR। इस CPR को त्वरित रूप से प्रारंभ करें। अब फोटो में देख रहे हैं कि CPR जो दिया जाता है मरीज को सीधा पीठ के बल लिटा देते हैं और उसके मुंह में अपना मुंह सटाकर और हवा उसके शरीर में प्रवेश कराने का प्रयास करते हैं। चूंकि उसकी मांसपेशी कम काम कर रही है, दम घुटने से उनकी मौत ना हो जाए, तो CPR हम देने का प्रयास करते हैं। फोटो में भी दिख रहा है यह CPR है। सबसे अहम बात कि नजदीकी प्राथमिक उपचार के लिए हम उसे लेकर जाएंगे। यह तो था बिजली से घात की परेशानियां। अब दूसरे पॉइंट पर हम बात करें, जल जमाव से परेशानियां। हमारे आसपास जल जमाव हो जाते हैं कई कारण से, बहाव, घर के पानी का बहाव उचित नहीं हो पाता है। तो हम जानते हैं कि हर घर में अगर थोड़ा सा भी जगह है तो पनसोखा बोलते हैं, पानी को जमीन के अंदर पहुंचाने का प्रबंध किया जाए। अगर परिस्थितियां विषम है किसी कारणवश, तो उसे ढकने का प्रयास करें और समय समय पर उसकी सफाई करें, और उसमें थोड़ा सा अगर केरोसिन तेल अगर डाल देते हैं तो मच्छर का खतरा वो कम हो जाएगा। क्योंकि केरोसिन तेल जैसे ही डालेंगे तो वहां पे उसका अंडा जो भी होगा
वो अंडा सड़ जाएगा डूब के और वो उसका जो है जीवन चक्र बाधित हो जाएगा और अगली पीढ़ी मच्छर का मॉस्किटो का वो नहीं आ पाएगा। तो जल जमाव से हम अपने आप को बचाएंगे, उससे दूर रखेंगे, क्योंकि उससे हमें हानियां बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है मलेरिया से। अब है लास्ट, बोरिंग के गड्ढे से होने वाले परेशानियां। यह समस्या वैसे जगह पे होते हैं जहां पानी भौम जल जमीन के नीचे जो जल वहां से हम प्राप्त करते हैं पीने के लिए सिंचाई के लिए वो स्तर काफी नीचे हो, 1000 फीट तक भी नीचे, उससे भी ज्यादा नीचे हो, वहां पे बोरवेल किया जाता है, काफी बड़ा वाला बोरवेल। और ये एक्चुअली बिहार में कम, राजस्थान और भी जगह ऐसे प्रदेश हैं हमारे देश में जहां पानी का भौम स्तर, जल का भौम स्तर काफी नीचे है, वहां तक जाने के लिए बोरवेल किया जाता है। और बोरवेल करने में इतनी खर्चे हो जाते हैं, कभी कभी लोग अपना काम कर लेते हैं और गड्ढे को यूं ही छोड़ देते हैं। अब छोड़ने का कारण, कोई सफल गड्ढे हैं, कोई असफल गड्ढे हैं, सूख गए हैं वो भी गड्ढे हैं, और वो तो कहा जाए कि 1 या 2 फीट, 1 या 2 फीट का उसका व्यास होता है, डायमीटर लिए होता है। अब वो खुला छूट गया है तो कभी कभी बच्चे खेलते हुए चले जाते हैं और उसमें गिर जाते हैं। ऐसी घटनाएं हमारे देश में कई हो चुके हैं, काफी चर्चित चेहरे भी सब हैं, किस छोटे बच्चे इसके ज्यादा शिकार हो जाते हैं, खेलते खेलते गए और उसमें सीधा चले गए और वो 1000 फीट तक चले जाते हैं, 200 फीट तक चले जाते हैं। तो वो बोरवेल जहां तक है जितना गड्ढा वो खतरनाक ही होता है, उसे जरूरत हो तो ढक के रखें, जरूरत उसका नहीं है, निरर्थक है तो उसे ढक बंद ही कर दें, उस गड्ढे को पूरी तरह से उसे सुरक्षित कर लें। लेकिन अगर बच्चे गड्ढे में गिर गए हैं, बोरवेल में गिर गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आप जानते हैं काफी खतरनाक स्थिति हो जाती है, उसके बचाव के लिए बगल में एक गड्ढे को और एक दूसरा गड्ढा बनाया जाता है और वहां से जाके तब उसमें नीचे छेद करके उस बच्चे को निकाला जाता है। उसमें सीधा आप जा नहीं सकते हैं, तात्कालिक वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, रोशनी की कमी होती है, जो बच्चा डरा हुआ रहता है, और कुछ समय के बाद भोजन भी उसे हो जाता है और घबराया रहता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, सांस लेने की किल्लत हो जाती है। तो इससे बचने के लिए पाइप के द्वारा बच्चों को भोजन या उसे बातचीत किया जाता है, उसे हौसला अफजाई किया जाता है, और बोरवेल के बगल में एक बड़ा सा गड्ढा जहां तक कि हम आप पहुंच सकते हैं, तिरछा गड्ढा किया जाता है, वहां तक जाकर तब बच्चे को बचाया जाता है। ऐसी घटना कहीं हो चुकी है, अगर इस तरह हमारे आसपास घर के आसपास है तो प्लीज उसे ढक के रखें। हालांकि बिहार में इसकी खतरा नाम मात्र होती है, फिर भी हमें जानकारी बच्चों को देना होता है। तो ये थी 3 शेड्यूल के हिसाब से, बिजली से घात, जल जमाव से परेशानियां तथा बोरिंग के गड्ढे से होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।